की हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे, जो व्यक्ति भगवान को पूजा करते हैं, भगवान को सेवा मानते हैं, लेकिन भक्तों को नहीं मानते हैं, कहते ये अर्ध कुकुट न्याय है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते जन्म प्रभुति जत किंचित सुकृतम समुपार्जितम नासयाति तत् सर्वम पीड़यत यदि वैष्णव। यदि कोई व्यक्ति वैष्णव को कोई दुख कष्ट देते हैं, वैष्णव को ही दुख कष्ट देते हैं, कहते वह व्यक्ति जितना सुकृत उसका अर्जन हुआ है, सुकृतम समुपार्जितम नासया मायति तत् सर्वम, कहते उसका जितने सारे सुकृति सबके सब नष्ट हो जाता है, जो व्यक्ति वैष्णव को पीड़ा और वैष्णव को जो कष्ट देते हैं। इसलिए पूजितम भगवान विष्णु जन्मांतर सतैरपि प्रसिद्धति न विश्वात्मा वैष्णवे चप मानिते। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति वैष्णव को, जो व्यक्ति नहीं मानते हैं लेकिन भगवान को पूजा करते हैं, कहते इसको 100 जन्म का जो पुण्य है, कहते 100 जन्म का पुण्य उसका सबके सब नष्ट हो जाता है। इसलिए जे निंदन्ति हृषिकेशम तद भक्तम पुण्य रूपिणम सत जन्मार्जित पुण्य तस्य नाशति निश्चितम। कहते जो व्यक्ति भगवान हृषिकेश का जो भक्त हैं, कहते उनको जो व्यक्ति निंदा करते हैं, उसको क्या होता है, बोले सत जन्मार्जित पुण्यम तस्य नाशति निश्चितम। कहते 100 जन्म का उसका जो पुण्य है वो सब के सब नष्ट हो जाता है, 100 जन्म का पुण्य। इसलिए ते पतंति महाघोरे कुंभी पाके भयानके भक्षिता कीट संघेन जाभत चंद्र दिवाकर। बड़ा भयानक बात है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ते पतंति महाघोरे कुंभी पाके भयानके। इसलिए वह व्यक्ति हैं जो कुंभीपाक महाघोर नरक में भोग करता है, उसको कीड़े उसको काटते रहते हैं, बोले जब तक ये चंद्र सूर्य रहेगा तब तक उसको ये दुख कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, वैष्णव को कभी दुख कष्ट नहीं देनी चाहिए, वैष्णव का निंदा दुख कष्ट नहीं देनी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भैया भक्ति भले ही कम हो, ज्यादा नहीं हो, भक्ति थोड़ी कम हो कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं कभी वैष्णव अपराध नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान का नाम तो बड़ा मीठा है, भगवान का नाम बड़ा मीठा, भगवान का नाम ये बड़ा अच्छा दवा है, लेकिन उसका जो परहेज है ना ये थोड़ा कठिन है, दवा तो मीठी है लेकिन परहेज क्या है, बोले वैष्णव अपराध इसका ये परहेज है, इसलिए परहेज पूर्वक। इसलिए जो 10 तरह का नामापराध में सबसे पहला अपराध वैष्णव निंदा, ये पहला अपराध, ये वैष्णव निंदा ही ये पहला अपराध है, परहेज में तो नियम का अनुपालन करना। इसलिए ये कहते पहला अपराध ही है वैष्णव निंदा, ये पहला अपराध। लेकिन भक्ति जगत में गुरु अवज्ञा सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा है, लेकिन गुरु अवज्ञा भी यहाँ पर नहीं बताए, पहले उन्होंने वैष्णव अपराध को बताया, क्योंकि कहते गुरु का प्रति हमारी गौरव बुद्धि रहता है, ये हमारे गुरुदेव है, लेकिन जो वैष्णव का प्रति, अरे कि ऐसे कितने वैष्णव देखा है, हैं ऐसे हमने कितने, इसलिए वैष्णव का प्रति कभी कभी अनादर हो जाता है। इसलिए क्या करनी चाहिए, इसलिए कहते गुरु वैष्णव भगवान तिन्नर स्मरण है विघ्न विनाशन। इसलिए शिक्षा गुरु कहते जानी कृष्ण स्वरूप, और जो शिक्षा गुरु क्या है, बोले कृष्ण का रूप, गुरुदेव कृष्ण का रूप, और शिक्षा गुरुदेव कौन है, बोले कृष्ण का स्वरूप है। कहते जो रूप और जो स्वरूप में कोई फर्क नहीं, केवल नाम मात्र भेद है। इसलिए हम जिनसे हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा भक्ति का शिक्षा हमें प्राप्त करते हैं, वो कौन हुए हैं, हमारे शिक्षा गुरुदेव हुए। इसलिए ऐसे नहीं करनी, नहीं केवल हम तो गुरुदेव को सम्मान करेंगे, गुरुदेव का बात सुनेंगे और किसका बात नहीं सुनेंगे, नहीं ये अपराध, ये अपराध। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे,
जैसे जैसे भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी हमारे शिक्षा गुरुदेव हैं, जैसे महाराज का गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज, इनके लिए क्या हुए? गुरुदेव हुए गुरुदेव, लेकिन मेरे लिए क्या हुए? वो शिक्षा गुरुदेव। लेकिन मेरे जो गुरुदेव है भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोसाई महाराज, मेरे लिए क्या हुए? मेरे लिए के गुरुदेव हुए, लेकिन इनके लिए क्या हुए? करे शिक्षा गुरुदेव, इनके लिए शिक्षा गुरुदेव। अब मेरे लिए इनका गुरुदेव क्या हुए? शिक्षा गुरुदेव। और मेरे गुरुदेव मेरे लिए गुरुदेव, उनका गुरुदेव उनके लिए गुरुदेव। क्या कहो, मेरे गुरुदेव मेरे लिए गुरुदेव, उनका गुरुदेव क्या गुरुदेव नहीं है? उनका गुरुदेव क्या गुरुदेव है? नहीं कहो, मेरा गुरुदेव क्या गुरुदेव है? नहीं। इसलिए ये अखंड नित्यानंद अभिन्न ये गुरु परंपरा है, ये अखंड जो तत्व एक ही है। इसलिए कहते हैं हर समय शिक्षा और दीक्षा गुरु का हर समय यथा योग्य सम्मान देनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सारे जगह से उन्होंने श्लोकों को उन्होंने उद्धृत करके दिया है। इसलिए श्रीवास पंडित हैं, इनके चरण में गोपाल चापल का जब अपराध हुआ है, उनको उन्होंने बदनाम कराया। देखो आपको लगता है ये लोग घर में बैठी करके घर में कीर्तन करते हैं, लेकिन घर में कीर्तन नहीं करते हैं। उन्होंने क्या किया, उनको घर को सामने रात को उन्होंने शराब मांस जवा फूल और देवी पूजा का जितना सामग्री उनका घर को सामने रख दिया। जब सवेरे हुआ ना वैष्णव को निंदा करने के लिए है, उसको नीचे गिराने के लिए उन्होंने सब काम किया। जब सवेरे हुआ उसने सब लोगों को बुला लिया, बोले देखो देखो ये बाबा लोग क्या करते हैं, हैं आपको लगता है ये रात भर कीर्तन करते, कीर्तन नहीं ये देवी पूजा करते। देखो शराब और मांस जवा फूल यहाँ पड़ा हुआ, ये रात का ना स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं ये लोग और उनके साथ में भोग करते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है ये रात में कोई हरिबोल करते? कोई हरिबोल नहीं करते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं है मेरे वैष्णव, मेरे हाथ भी अगर भक्तों का विरोध में जाए तो मैं अपना हाथ को भी माफ नहीं करता हूँ, हाथ को भी काट देता हूँ, हाथ को भी मैं काट देता हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तम दर्शनम मातृण पुण्य न संति निश्चितम गंगा स्नान द्वारा विदृष्टा तथा विद्वान विदुष विशुद्धते। कहते अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराधी को अगर कोई दर्शन कर ले, वो भी बड़ा खतरनाक है। वैष्णव अपराधी जो है अगर उसको कोई दर्शन करे ना, दर्शन मात्र पुण्य नश्यन्ति निश्चितम, कि तो वो व्यक्ति को दर्शन मात्र से ही सारे पुण्य नष्ट हो जाता है। जो वैष्णव निंदा को जो करने वाले व्यक्ति है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शन कर तो क्या करो, बोले गंगा स्नात्वा, गंगा में जाकर के स्नान करो, रवि दृष्टवा चंद्रमा सूर्य को दर्शन करके तभी कोई व्यक्ति शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए वैष्णव निंदा की इतने खतरनाक है। इसलिए कहते भक्ति कम हो लेकिन कभी वैष्णव निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बताए अगर कभी वैष्णव निंदा हो तो क्या करो, उसका जीवा काट दो, जीवा उसकी काट दो है। जीवा काट दो मतलब दो तरह का है, अगर तुम्हारी समर्थ है उसका सचमुच से जीवा काट दो, अगर समर्थ तुम नहीं हो है शास्त्र, अगर तुम समर्थन नहीं हो क्या करो है, शास्त्र युक्ति को द्वारा अगर हो सके, शास्त्र युक्ति तर्क वितर्क द्वारा उसका सिद्धांत को फिलोसफी को तुम काट दो है, उसका फिलोसफी काट दो। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो फिर क्या करो, अपना कान में अंगुल डाल दो, डाल करके सीधा गंगा में वस्त्र को साथ में जा करके स्नान करो है, स्नान करके अपना पाप को प्रक्षालन करो। इसलिए यहाँ पर वैष्णव अपराध का बड़ा उन्होंने भयानक वर्णन यहाँ पर किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हैं, कि तो उनका महाप्रभु को भी मानना वो मानना नहीं। अभी यहाँ पर आर्य षष्ठ अध्याय में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य जो पूर्व में कृपा की अभी उसका वर्णना कर रहे हैं। बोले एकने सुनह अद्वैतेर आगमन मध्य खंडे जमते हैल दर्शन। कहते ये जो मध्य खंड में कहते श्रीमान अद्वैत आचार्य जो कैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को साथ में मिले और कैसे
श्रीमन महाप्रभु का आशीर्वाद श्री अद्वैत आचार्य जो कहीं से मिला इसी षष्ठ अध्याय में इसको वर्णना कर रहे हैं। एक दिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपना ईश्वर का आवेश में है उसमें आवेशित तो होकर के उसमें विवाहित तो होकर के एक दिन उन्होंने श्री रामायण पंडित को बोले, क्या बोले, बोले जाओ श्री अद्वैत आचार्य जी के पास में जाओ, जा करके तुम जा करके ये बोलो तुम जिनके लिए इतने आराधना किया है और इतना क्रंदन किया, क्योंकि अद्वैत नहीं चंद उन्होंने गंगा जल और तुलसी को लेकर के उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने आह्वान किया, चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने आह्वान किया और उन्होंने व्रत किया, बहुत दिन तक उपवास उन्होंने किया है और उन्होंने बड़े क्रंदन किया उन्होंने है क्यों, ये जीव का दुर्दशा को देख करके कभी कभी उनको बड़ा आवेश आ जाता था, अगर मैं अपना प्रभु को उतार नहीं पाया तो सुदर्शन चक्र लेकर के सबको मैं संहार कर डालूंगा, क्यों कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, बोले बड़ा आराधना बड़ा क्रंदन किया है, कर जा करके बोलो वो प्रभु अभी आ गए हैं जगत में भक्ति को प्रचार करने के लिए आ गए, और एक बात बताना, ये बात तो उनको बताना, उनको एकांत में बोलना, बोले अकेले नहीं आए, कहते उनको अपना बड़े भाई बलराम को साथ में और श्री नित्यानंद प्रभु का साथ में आए हैं, और तुमने तो कुछ देखा उसको जाकर सबके से बोलो। इतने में रामायण पंडित भागते 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 गए और उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य को उन्होंने सब कुछ जो बोले, तब यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री अद्वैत आचार्य सदाशिव है, सदाशिव होने का नाते एक तत्व में सदाशिव होने के नाते कहते ये अपना भक्ति के बल पर है, ये भक्ति के बल पर ये सब कुछ पहले जान लिया है, उन्होंने सब कुछ जान लिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आविर्भूत हुए हैं, इसलिए जब रामायण पंडित ने जाकर सब कुछ किया इसको सुन करके अद्वैत आचार्य इतने प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु मेरे को लेने के लिए बुलाया है मेरे को प्रभु को, और उन्होंने बोले जल्दी चलो महाप्रभु तुम्हें जल्दी जल्दी बुला रहे हैं, इसलिए तब भी अद्वैत आचार्य एक नाटक किया है, बोले क्या नाटक किया है, क्या नाटक किया, उन्होंने ये नाटक किया है, कहते भैया कलयुग में त्रिजुगी बताया गया, कितना युग बताया गया, त्रिजुगी बताया गया, बोले त्रिजुगी क्यों बताया गया, बोले चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार ये प्रचंड अवतार है, ये छुपा हुआ अवतार, इसलिए त्रिजुगी बताया गया। इतने में अद्वैत आचार्य कह रहे हैं बोले कलयुग में भगवान अवतीर्ण होंगे कौन शास्त्र में लिखा हुआ है, उन्होंने थोड़ा कौतुक के लिए उन्होंने बताए कलयुग में भगवान अवतार न को तो कहां पर बताया गया, वो कलयुग में भगवान अवतीर्ण होंगे, लेकिन जो रामायण है वो सब जानते हैं, उनका कौतुक सब कुछ जानते हैं है? इतने में उन्होंने बोले रामायण को बोले, बोले तुम चले जाओ मैं आ रहा हूँ, और जा करके हैं बोल दो तुम आ रहे हैं और तुम चले जाओ, बोले अद्वैत आचार्य आ रहे हैं। इतने में अद्वैत आचार्य अपना पत्नी को साथ में जितने महाप्रभु के लिए जितने पूजा की सामग्री है हाँ धूप दीप चंदन अगुर कर्पूर सब कुछ उन्होंने थाला में महाप्रभु का अभिषेक करने के लिए उन्होंने सब कुछ श्री अच्युतानंद अपना जो बेटा श्री अच्युतानंद को लेकर के उन्होंने बोले आनिलो आनिलो बोले प्रभु अपना रे है, उन्होंने क्या बोले आनिलो आनिलो मतलब क्या है, मैंने लाया है, बोले किसको लाया है, उन्होंने कठोर तपस्या की ना महाप्रभु लाने के लिए, बोले मैंने जिनको लाने के लिए तपस्या किया था आनिलो आनिलो मतलब मैंने उनको जगत में उनको प्रकट करा दिया, मैंने ले आया है अद्वैत आचार्य वो कह रहे मैंने आनिलो आनिलो मतलब मैंने उनको लाया हूँ, किसको लाया महाप्रभु लाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी इसलिए मैंने उनको लाया मैंने उनको लाया हूँ, इसलिए इतने में वो रामायण पंडित को बोले देखो मैं उनको तभी समझूंगा ये मेरे प्रभु है, बोले कैसे समझोगे, बोले अगर वो अपना चरण कमल मेरे सर पर रखे तभी मैं समझूंगा ये मेरे प्रभु है, हैं ये मेरे प्रभु है, ये क्या मेरा ये प्रमाण देखना चाहता हूँ। तब रामायण ने कहा देखो भाग्य रहेगा तो ये भी हमें दर्शन करने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाप्रभु को परीक्षा करने के लिए आए सारे अगुर कर्पूर चंदन सब कुछ लेकर के, लेकिन उन्होंने श्री नंदन आचार्य जो घर में जाकर के छुप गए,
तो चुप गए। इतने में रामाई पंडित जब आए, आने पर इतने में महाप्रभु अपने आप बोल पड़े, बोले ओ अद्वैताचार्य मेरे को परीक्षा करना चाहते हैं, हैं? और वो नंदन आचार्य जो घर में छुप करके बैठ गया, जाओ बोल दो महाप्रभु तुमको बुलाया। इसको सुनते ही रामाई पंडित बड़े प्रसन्न हो गए, पर जाकर के अद्वैत आचार्य को बोले महाप्रभु समझ गए तुम नंदना आचार्य घर में छुप करके बैठे हो। इतने सुन करके अद्वैत आचार्य और प्रसन्न हो गए, हैं प्रसन्न। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं तो उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने हैं उन्होंने फिर नंदन आचार्य घर में उन्होंने छुपे क्यों, फिर महाप्रभु के पास में डायरेक्ट क्यों नहीं आ गए। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, हैं कह रहे हैं उस ये दुनिया जगत को शिक्षा देना चाहते, अपना लिए नहीं लेकिन वो दुनिया को जगत को शिक्षा देना चाहते, क्या शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए कहते जो महाप्रभु है ये सर्व अंतर्यामी, ये सर्वज्ञ है। उन्होंने जान बूझ करके जगत को प्रमाणित करने के लिए नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये असर्व अंतर्यामी, ये सर्वज्ञ, ये घटघटवासी, सब कुछ ये जानते हैं। वो दुनिया लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने जान बूझ करके वहां छुप करके बैठ गए। बैठ करके इतने में श्री अद्वैत आचार्य जब आए, उन्होंने अद्वैत आचार्य जो महाप्रभु ने अपना विभूति दर्शन कराया, अपना ऐश्वर्य दर्शन कराया, देखो मैं कौन हूँ। उन्होंने क्या दर्शन कराया उनको, उनके दर्शन कराया कैसे, गले में कौस्तुभ मणि है, हैं? कहते कौस्तुभ मणि किसको गले में रहते हैं, भगवान। इसलिए क्या किस श्लोक है, नहीं ये किस श्लोक है, भगवत अदरक कौस्तुभ है ना, भगवत अदरक मतलब भगवान, ये भगवान है, उनको प्रमाण किया है जो कौस्तुभ मणि है ना, कहते सभी के गले में ये कौस्तुभ मणि नहीं रहता है, केवल भगवान के गले में ही ये कौस्तुभ मणि रहता है। इसलिए महामणि युक्त और कान में मकर कुंडल है और गले में वैजयंती माला और चरण में स्वयं माँ लक्ष्मी जी ने चरण की सेवा कर रही है। और अनंत देव क्या कर रहे हैं, अनंत देव ने उनका सर के ऊपर छत्री रूप में श्री अनंत देव है और उन्हें क्या दिखाया, कैसे बंसी ध्वनि करते हुए वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे कैसे सुंदर बंसी ध्वनि कर रहे हैं और शिव ब्रह्मा नारद कैसे स्तुति कर रहे हैं और कैसे साक्षात गंगा देवी जिनकी चरण कमल में स्वयं गंगा देवी पड़े हुए हैं और जो सहस्र अनंत देव अनंत भूमि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जितने सारे देवता सबके सब आकाश मार्ग में सबके सब वाहन के द्वारा सबके सब क्या कर रहे हैं, ब्रह्मादि देवता लोग भगवान को स्तुति कर रहे हैं और जितने नाग बधु सबके सब नृत्य कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बड़े सुंदर उनको अपना विभूति दर्शन कराया। तब यहाँ पर कहते हैं बोले सुतिया अचनखिर समुद्र भितरे, बोला उसके बाद निद्रा भंग हैल मोर नाडार ओंकार। इसलिए जिस समय उन्होंने महाप्रभु क्या बोल रहे थे, नाडा 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 बोल करके महाप्रभु बोल रहे थे। भक्तों लोगों ने पूछा प्रभु आप नाडा 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 किसका नाम ले रहे हो, तब महाप्रभु ने बताया नाडा मतलब होता है बंगला भाषा में नाडा मतलब होता है हिला देना, हाँ नाडा मतलब होता है हिला देना। कहते सुतिया आचनो खीर समुद्र सागर में, तो खीर समुद्र में विश्राम कर रहा था लेकिन निद्रा भंग हैल मोर नाडा रहूं का, ये अद्वैत आचार्य ने ही मेरे नींद को उन्होंने तोड़ दिया, नींद को मैंने खोल दिया। इसलिए इसलिए जे वैष्णव देखी थे ब्रह्मादि भावे मने तो मा हो ते तहा देखी वे एक सर्वजने। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अद्वैत आचार्य को बोले देखो जिन जिन वैष्णवों को दर्शन करने के लिए ब्रह्मादि देवता लोग भी कामना करते हैं लेकिन लेकिन इसी अवतार में क्या होगा, सबके सब वो बड़े बड़े वैष्णव का दर्शन मिलेगा। क्योंकि महाप्रभु के साथ में जो वैष्णव लोग आए हैं कौन कौन है, गदाधर है, गदाधर कौन है, स्वयं राधा रानी आए, स्वरूप दामोदर आए, स्वरूप दामोदर कौन है, कहते श्री ललिता सखी, कहते राय रामानंद आई, ये कौन है, ये विशाखा सखी, लव सनातन गोस्वामी आई, ये कौन है, लवंग मंजरी, रूप गोस्वामी आई, ये कौन है, रूप मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी आई, ये कौन है, रति मंजरी, रस मंजरी।
इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी आए, ये कौन है? कहते अनंग मंजरी। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती आए, ये कौन है? तुंगो विद्या सखी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि देखो कत जो ब्रह्मा आदि भी देवता लोग भी जिन जिन वैष्णव को दर्शन करने के लिए तरसते हैं, कत इसी अवतार में उन लोगों को सर्प जन इसी जगत में सब भक्त लोग ऐसे ऐसे वैष्णव का दर्शन करेंगे, ऐसे ऐसे वैष्णव दर्शन मिलेगा हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अद्वैत आचार्य, बोले प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरा जीवन धन्य हो गया आपको दर्शन करते हुए। उनने जितने धूप दीप नैवेद्य कर्पूर अगुर जितने सब सामान लाए थे, उनने क्या क्या श्री चैतन्य महाप्रभु को चरण में दे करके अपना अश्रु जलों को द्वारा उन्होंने महाप्रभु के चरणों को उन्होंने अभिषेक किया है। छोड़ सौ उपचार में गले में माला, गले में फूलों की माला पहनाए, और उनने कौन सा श्लोक बोले है? बोले नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नम। इसलिए उन्होंने जो श्लोक बोले भगवान कृष्ण का श्लोक है, बोले नमो ब्राह्मण देवाय, कहते जो ब्राह्मण का जो देवता है, गो ब्राह्मण का जो हित करने वाले हैं, इसलिए जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो, विश्व ब्रह्मांड को जो कल्याण करने वाले। इसलिए उन्होंने इसी श्लोक को द्वारा उन्होंने स्तुति की, बोले जय जय हरे कृष्ण मंत्रेर प्रकाश जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास। यहाँ पर कह रहे महाप्रभु ने क्या किया, जिन्होंने इसी जगत में आ करके ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कहते ये किसका नाम है? ये चैतन्य महाप्रभु का नाम है। महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलित विग्रह है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास, कहते वो स्वयं तो राधा कृष्ण है, लेकिन राधा कृष्ण मिलित विग्रह, लेकिन होते हुए भी क्या कर रहे थे? स्वयं नाम को स्वयं जप कर रहे थे। हरे कृष्ण इति उच्चैः स्फुरित रसना नाम गणना, कहते स्वयं अपना नाम को स्वयं जप करते थे। इसलिए उन्होंने कहते तुम्हें विष्णु नारायण कृष्ण राम। इसलिए अद्वैत आचार्य बोले हे प्रभु आप कौन हो? कहते आप स्वयं विष्णु, आप नारायण, आप राम, आप नृसिंह, आप सनातन, आप सब कुछ प्रभु आप ही हो। इसलिए हैं, इसलिए ब्रह्मा शंकर जिनकी चरण चरण दो को पा करके जीवन को धन्य करते हैं, और आप स्वयं श्री जगन्नाथ पुरी में हैं। कहते श्री जगन्नाथ पुरी में श्री जगन्नाथ रूप में बैठ कर क्या गा रहे हो? छप्पन भोग और छत्री से व्यंजन है। कितने जगन्नाथ जी एक साथ में कितना भोजन करते हैं? इसलिए कहते आप जगन्नाथ पुरी में बैठ करके छापान भोग और छत्री सी व्यंजन दिन भर आप प्रसाद ग्रहण करते हो। इसलिए लेकिन अद्वैत आचार्य जब आए उनने क्या बताए थे? बोले तभी मैं अपना प्रभु समझूंगा अगर वो अपना चरणों को मेरे सर पर रखे तो, हाँ तभी मैं समझूंगा। उनके मन में ये इच्छा थी है, इसलिए महाप्रभु इनकी इच्छा जान करके उन्होंने अपना दोनों चरणों को श्री अद्वैत जी की सर पर दी। जब अद्वैत का सर पर दिए जितने भक्त लोग देख करके इतने प्रसन्न हो गए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सब भक्त लोग इसको देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले देखो ये दुर्लभ चरण किसको सर पर दे रहे? श्री अद्वैत आचार्य जी को चरण में दे रहे हैं, अद्वैत आचार्य जी के सर पर। इसलिए इतने में अद्वैत आचार्य जी इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए, वो तो हाथ उठा करके अद्वैत आचार्य जी नाचना शुरू कर दिया, और से नित्यानंद प्रभु इसको दर्शन करके हैं। इसलिए अपना भ्रुकुटी नेत्र से नित्यानंद प्रभु भी दर्शन करते करते हंस रहे थे हैं, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो रहे थे। इतने में चैतन्य महाप्रभु बोले अद्वैत आचार्य तेरे लिए ही जगत में मैं आया हूँ, हाँ तेरे लिए इस जगत में मैं आया हूँ, इसलिए मेरे से बर मांग जो बोलो।
बर मांगो। बोले प्रभु बर क्या मांगे, जब अपना ये दुर्लभ चरण है, हैं ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा अमर पति गणेशार्चित पद, इसलिए ये जो दुर्लभ चरण है जब मेरे सर पर रख दिया और कुछ प्राप्ति का कोई बाकी रह गया कुछ मांगने का, प्रभु मेरे जीवन तो धन्य हो गया, कृत कृत हो गया आपकी चरण को पा करके। इसलिए जपद लागिया ब्रह्मा तपस्या करीला, जपद पाया शिव शिवत लभिला, जपद नारद मुनि हृदय धरिला, जपदे सही से अभय पद चरण धरिया परम आनंद नाची पद गुण गाय। इसलिए तो यहाँ पर कह रहे बोले घरे घरे करीबो कीर्तन प्रचार, मोरो जसे नाचे जन सकल संसार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जय जगन्नाथ महाप्रभु की, वृदाऊ भैया की, सुभद्रा देवी सुदर्शन चक्र की। हाँ देखो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बर दे रहे, बोले क्या बर दे रहे, बोले घरे घरे करीबो कीर्तन प्रचार, मोर जैसे नाचे जन सकल संसार। कभी ये कीर्तन को मैं घर घर में ये कीर्तन धर्म को जगत में प्रचार करूंगा और मेरे जस में जैसे सकल संसार जैसे मेरे नाम को लेकर नाच उठे, मेरे नाम को लेकर नाच उठे। इसलिए ब्रह्मा भव नारद आदि जारे तप करे हे न भक्ति बिलाए वो बलि लो तुम्हारे। महाप्रभु कह रहे हैं बोले देखो ब्रह्मा शंकर नारद जिस जिसको पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं ऐसे भक्ति को मैंने जगत में बिलाऊंगा, जगत में प्रचार करूंगा। इसलिए कहते ना एमन गौरांग बिना नाहियार भव बेरे चेर वांछित जे प्रे जगते पहले लाली कांगाल खाइया आया नाचिला बाजाइया कर थाली ए मान गौर बिना नाहियार, ए मान गौर बिना नाहियार। श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं महाप्रभु जैसी जगत में ऐसा अवतार नहीं है। इसलिए तो ब्रह्मा शंकर जिस प्रेम के लिए तरसते हैं वो प्रेम को सर्व को प्रदान किया। देखो देखो अद्वैत आचार्य जी उन्होंने क्या बर मांगी, बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने चीज मांगी। अभी हम लोग जो थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं ना, जो अद्वैत आचार्य जी महापुरुष से बर मांगी सी, कहाँ के हो तुम, कहाँ के रहने वाले, बोलो पूरी के आप कहाँ के, आप कहाँ के। देखो यहाँ पर सब अलग अलग जगह के सब लोग बैठे हैं, मेरा घर का काम, उनका घर का, उनका घर का, जो विदेश लोग इतने दूर दूर आए सब ये यहाँ पर कहते ये लोग एकत्रित होकर के अभी जो भजन हम कर रहे हैं किसकी कृपा, देखो अद्वैत आचार्य कृपा। इन्होंने महाप्रभु बोले तो बर मांगो, इन्होंने ये बर उन्होंने यही चीज बर मांगे बोले किया है, बोले अद्वैत बोले यदि भक्ति बिलाई बा। अद्वैत आचार्य जी कह रहे बोले प्रभु अगर आप इस जगत में भक्ति को बिलाना चाहते हो, हैं ब्रह्मा शंकर नारद आदि जिस प्रेम को प्रार्थना करते हो अगर इसको आप बिलाना चाहते हो क्या करना, बोले स्त्री शूद्र आदि जत मूर्खेर से दीवा। इसलिए आप विचार नहीं करना ये प्रेम इनको देना इनको नहीं देना, केवल विद्वानों को देना पंडितों को देना केवल ब्राह्मणों को देना और किसको नहीं देना ऐसे नहीं, क्या करना स्त्री शूद्र आदि जतो मूर्खर से दिवा है स्त्री शूद्र मूर्ख ये सबको ये प्रेम अब जरूर ये प्रेम सबको देना। महाप्रभु ने कहा ठीक है, इसलिए जब तुमने ये वर मांग रहे हो मैं भी वरदान दे रहा हूँ ये प्रेम में बिना विचार किए हुए दुखी दरिद्र दीनहीन स्त्री शूद्र सबको मैं ये प्रेम एक दिन प्रदान करूंगा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अभी जो दुनिया में ये जगह महाप्रभु का प्रेम जो दिख रहा है ये किसकी कृपा, बोले अद्वैत आचार्य महाप्रभु से आशीर्वाद मांगे इसलिए ये प्रेम सारा दुनिया में पृथ्वी से आशीर्वाद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमर नाम है। इसलिए अद्वैत आचार्य कृपा से ही विश्व ब्रह्मांड को ये प्रेम आज मिल रहा है। इसलिए कहते दया कर सीतापति
अद्वैत गोसाई रब कृपा बले पाई चैतन्य निताई दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई रब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। अद्वैत आचार्य की कृपा से ही हमें ये भक्ति मिला, चैतन्य महाप्रभु मिले, इसलिए उसमें क्या उनका नाम लोचन दास ठाकुर कहते हैं, होड़ो होड़ो सब दे आईला, वहां पर उदाहरण देते हैं, होड़ो होड़ो सब दे आईला श्री अद्वैत चंद्र। हुड़ हुड़ मतलब क्या होता है, हुड़ हुड़ मतलब क्या होता है, हुड़ हुड़ क्या होता है, ये हुड़ हुड़ मतलब होता है, जैसे यहाँ पर कोई बंगाली यहाँ पर है इसलिए कहते हैं यहाँ पर हुड़ हुड़ मतलब है, इसलिए जैसे कुछ यहाँ पर ना नहीं था, जैसे काल वैसा क्या आता है ना, जैसे आंधी तूफान कुछ दिन पहले आया, कुछ नहीं था, हठात आया और हठात आकर काल वैसा जैसे एकदम चारी तरफ में एकदम बारिश करके भीगा करके चला गया, जैसे अभी आंधी तूफानी आया है, आकर के क्या क्या सारे सबको तसनस करके चला गया, ऐसे हुड़ हुड़ मतलब होता है हठात आया, इसलिए कहते हैं अद्वैत आचार्य ने क्या किया, हुड़ हुड़ शब्द आई श्री अद्वैत चंद्र, इन्होंने आए और आकर के उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का प्रेम को उन्होंने सबको दे करके अद्वैत आचार्य संसार से चले गए, इसलिए अद्वैत आचार्य की कृपा से ही वह हमें श्री चैतन्य महाप्रभु और ये भक्ति हमें जो मिल रहा है ये इनका, इसलिए इनका नाम गौराना ठाकुर इनका नाम है। बोले श्री अद्वैत आचार्य की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare 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 Rama
जय श्री श्री गुरु रामानंद जगन्नाथ बलदेव सर्वदा सुदर्शन चक्र की जय।